हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। टीवीआई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंट 2 सब्जेक्ट के अंदर हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है, कैपिटल बजट, जिसके लगभग हम लोग मिडिल पार्ट में आ चुके हैं। बच्चों आज हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, होमवर्क में आप करोगे 25, ब्रैकेट में इलुस्ट्रेशन 9, और बच्चों इसका पेज नंबर है आई थिंक 252। सेम क्वेश्चन बच्चों मास्टर डिग्रीज के अंदर सेम क्वेश्चन आता है, जो सम नंबर 21 है और होमवर्क में 20 है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री में आपको ये क्वेश्चन देखना है और बीकॉम के अंदर ये है। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, फुल स्क्रिप्ट बुक और पेंसिल के साथ ज्वाइन कर जाओ। ध्यान अंदर सबका। डेंजरस रैना, रैना कंपनी इज कंसिडरिंग टू परचेज अ न्यू मशीन विच विल कैरी आउट सम ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय लेबर। यानी एक कंपनी है रैना, दो मशीन है कंपनी के पास, कंपनी मशीन खरीदने जाती है, मशीन ए एंड मशीन बी, दो ऑप्शन है। From the following information, you are required to find out payback period or return on original investment. Payback period find करना है बच्चों और rate of return on original investment find करना है। उसके बाद मेरे पास दो मशीन की information है, सम के अंदर ध्यान, estimated life, cost of machine, cost of indirect material, savings in scrap, additional cost of maintenance, savings in wages, employees not required, wages per employee, taxation is to be required 50%. Which machine would you recommend and why? कौन सा मशीन खरीदना आपको बताना है। आंसर दो मांगे बच्चों, पेबैक पीरियड एंड रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब आपने इतने सारे एग्जांपल्स कैश बजट कैपिटल बजट के किए बच्चों, तो आप सबको पता होगा कैपिटल बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नेट कैश फ्लो। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कैलकुलेट करने जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। ठीक है, एक नंबर मशीन ए और दो नंबर में मशीन बी, और यहां आएगा पर्टिकुलर्स। ओके, चलो जनरली बच्चों जब भी आपको नेट कैश फ्लो फाइंड करना हो तो जनरली प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से आप डिडक्ट करते हो डेप्रिसिएशन, माइनस करते हो टैक्स और फिर डेप्रिसिएशन प्लस करते हो। पर अगर ये सब ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ मेरे सामने कोई प्रॉफिट का नामो निशान नहीं है। तो आज बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर आपको नया पॉइंट सिखाने जा रहा हूं मैं, प्रॉफिट के अंदर आपको मिलने जा रहा है अलग वर्ड। मैं यहां लिखने जा रहा हूं बच्चों प्रॉफिट की जगह पे इनकम वर्ड, जिसके अंदर है मेरे पास चौथी लाइन में सेविंग्स इन स्क्रैप। सेविंग्स इन स्क्रैप इट्स अ वन टाइप ऑफ इनकम, भंगार नो बचत। पहले के अंदर है बच्चों मशीन ए में 15,000, मशीन बी के अंदर है 20,000। उसके बाद है बच्चों नीचे की दूसरी लाइन, उसके नीचे सेविंग्स इन वेजेस, सेकंड इंपोर्टेंट इनकम, सेविंग्स इन वेजेस। अब ये कैसे मिलेगा, तो उसमें बच्चों आप समझ दे सकते हो, नीचे लिखा है एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर्ड और वेजेस है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय जो नॉट रिक्वायर्ड है वो लेंगे इनटू वेजेस पर एम्प्लॉय, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कॉलम में मेरे पास 100 एम्प्लॉय और 800 रुपए वेजेस नॉट रिक्वायर्ड है, टोटल होगा मेरे ख्याल से 80,000। सेकंड में है बच्चों 150 एम्प्लॉय जिसमें 800 रुपए वेजेस नॉट रिक्वायर्ड है, तो 150 को 800 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 120। जनरली क्लास में आप लोग साथ में टोटल करते हो, मेरे पास टोटल तो मैं कैसे समझ लेके चेक कर लेता हूँ, यस एकदम सही है बच्चों। अब ये हो गई मेरी टोटल इनकम। तो ये सब में क्या नया सीखा बच्चों, तो जब प्रॉफिट ना हो, सेल्स ना हो, तो सेविंग्स इन स्क्रैप, सेविंग्स इन वेजेस इक्वल टू इनकम 80 + 15, टोटल इनकम 95, 20 + 120 टोटल इनकम 140। अब इसमें से डिडक्ट करेंगे बच्चों एक्सपेंसेस, तो सबसे पहला खर्च है बच्चों कॉस्ट ऑफ मशीन, उसे एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल लेस करें, यस कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे पास आई थिंक पहले में 10,000, दूसरे में 12,000। उसके बाद सेविंग्स इन स्क्रैप हो चुका है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस लेस एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस सेकंड एक्सपेंडिचर जिसकी वैल्यू है 20,000, 25,000। ओके,
चलो इसके बाद सेविंग्स इन पेजेस हो गया है। तो फिर से देखो बच्चों, हमने पहला पॉइंट जोड़ा एस्टिमेटेड लाइफ, उसके बाद दो सेविंग्स से पॉइंट किए, उसमें से दो खर्च है। जैसे ये माइनस करोगे 95 में से 30 गया बच्चों, तो आपको मिलेगा 65,000 और 140 में से आई थिंक 45 गया तो मुझे मिलेगा 1,03,000। यस 12 + 25, फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूं। 1,40,000 माइनस 12,000 माइनस 25,000, यस 1,03,000। अब इसमें से माइनस होगा बच्चों डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस के अंदर मशीन की कॉस्ट है, पहले मशीन में कॉस्ट है बच्चों 80,000, लाइफ है 4 ईयर, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे डेप्रिशिएशन आएगा 20। सेकंड में बच्चों मेरे पास 1,50,000, इसके अंदर लाइफ है 5 ईयर, 150 को 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 30,000। जैसे आप डेप्रिशिएशन इसमें से माइनस करोगे मुझे मिलेगा पीएडी, जिसे बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिशिएशन। पहले में आएगा बच्चों 45, सेकंड में आएगा मेरे ख्याल से 73, मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, यस 73। अब 73 में से बच्चों आप माइनस करोगे टैक्स रेट, टैक्स का रेट आई थिंक 50%, यस टैक्स चिल्ला करेगा प्रॉफिट 50%। जैसे माइनस करोगे 22,500 और यहाँ आएगा मेरे ख्याल से 36,500, यस। जैसे माइनस करोगे बच्चों ये हो गया आपका पीएटी 22,500 और 36,500, और लास्ट में बच्चों इसके अंदर आप ऐड करोगे डेप्रिशिएशन, कारण डेप्रिशिएशन नॉन कैश आइटम है, वैल्यू है 20,000, वैल्यू है 30,000 और नीचे रिसीव होगा बच्चों नेट कैश फ्लो 42,500 और यहां मिलेगा 66,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैश फ्लो। मैं साइड में जा रहा हूं बच्चों, पूरा स्टेटमेंट आप बराबर ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइम आपके सामने स्टेटमेंट आ रहा है, यस नेट कैश फ्लो थोड़ा कट हो रहा है, मैं उसको ऊपर ले लेता हूं बच्चों, साइड में लिख देता हूं, यस इसमें से माइनस करोगे तो यहां आएगा नेट कैश फ्लो, मैं साइड में लिख देता हूं, थोड़ा वीडियो में कट ऑफ हो रहा है, 42,500 और 66,500 आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। अब बच्चों आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो। तो कुछ अलग करने की कोशिश इस हमने बच्चों, तो सबसे पहले फ्रेशर है लोग स्टेटमेंट बांटे प्रॉफिट की जगह सेनी जगह इनकम, सेविंग्स इन कैप, सेविंग्स इन वेजेस, दो प्रकार के खर्चे, फिर डेप्रिसिएशन टैक्स और फिर डेप्रिसिएशन प्लस किया। अब बच्चों पहला आंसर मांगा है उन्होंने पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का बच्चों जो वैसे नेट कैश फ्लो सिंगल ईयर का आपको फॉर्मूला सिखाया, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कैश फ्लो। मशीन ए उसका आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पहली लाइन में मशीन ए की टोटल कॉस्ट है बच्चों 80,000, मशीन बी जिसकी कॉस्ट है मेरे पास 1,50,000, नीचे नेट कैश फ्लो यहां से देख लूंगा बच्चों, नेट कैश फ्लो के लिए मेरा ध्यान दे रहा है 42,500, यस माइनस 66,500, ये मैंने डिवाइड किया बच्चों। जैसे इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट में आएगा 1.88 ईयर, ये हो गया पे बैक पीरियड, और सेकंड में आएगा बच्चों पे बैक पीरियड 2.26 ईयर, ये हो गया आपका पे बैक पीरियड। अब बच्चों आप पे बैक पीरियड का मीनिंग होता है आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने समय में बैक मिलता है उसे कहा जाता है पे बैक पीरियड। तो यहां देख सकते हो आप मशीन एक के अंदर 1.88 ईयर, पौने 10 साल में पैसे वापस आ रहे हैं, इसमें 2.26, यानी मशीन ए ज्यादा बेटर है। सेकंड क्वेश्चन मांगा बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट एवरेज प्रॉफिट, इसमें हमें लेना है पीएटी अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब बच्चों क्वेश्चन में देख सकते हो यहां नेट एवरेज
डायरेक्ट प्रॉफिट मशीन ए थोड़ी जगह छोड़ी, मशीन बी नीचे हो रही थी उसमें डाल दो 80,000 और बाजू में लिखा 150,000। ठीक है, अब बच्चों ऊपर लेना है मुझे एवरेज पीएटी प्रॉफिट, यानी सर सबका ये रहा पीएटी प्रॉफिट। देखो बच्चों अब ये 22,500 एवरेज है, एक का वर्ष का प्रॉफिट है बच्चों, यही आपका एवरेज प्रॉफिट है। 22,500 में एक से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 22,500। ऊपर ले लो एवरेज प्रॉफिट पीएटी 22,500 × 100 और बाजू में आएगा बच्चों 36,500। ये हो गया आपका पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज प्रॉफिट। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों पहले में आएगा 28.125% और सेकंड में आएगा बच्चों 24.33% बराबर। अब बच्चों आप इसमें भी देख सकते हो हमेशा रिटर्न जो मशीन का ज्यादा है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे देखो तो बच्चों में साइड में जरा देख सकते हो, तो यहाँ देख सकते हो कि मशीन ए इज बेटर। ठीक है, यहाँ आपको आराम से मशीन ए में रिटर्न ज्यादा मिलता है। ओवरऑल कंपनी को कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, तो कंपनी शुड टेक मशीन ए। मशीन ए में पे बैक पीरियड भी जल्दी है बच्चों, और ऐसा कह सकते हो कि उसके अंदर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 24, सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों, अगेन लेने जा रहा हूं सेविंग वाला सम, सेम कॉपी पर इसमें कुछ डिफरेंट है। होमवर्क में 23 इलस्ट्रेशन 9 और सेम मास्टर डिग्री में बच्चों 19 ब्रैकेट में 18। सम का नाम है डेंजरस अरविंद। चलो नजर अंदर बच्चों पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, कंटिन्यू करना, दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस आपको समझना है, पहले सम में क्या फर्क है और दूसरे सम में क्या फर्क है वो आपको आराम से देखना है। ठीक है, अरविंद लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू प्लांट, विल कैरी आउट सम ऑपरेशन परफॉर्म बाय लेबर, देयर आर टू ऑप्शंस प्लांट ए प्लांट बी। From the following information, you are required to prepare a profitability statement and work out the payback period and return on original investment. Same answer बच्चों, पेज घुमा रहा हूँ मैं। पीछे आपके सामने पहली कॉलम में प्लांट ए का डेटा, लाइफ 10 ईयर 12 ईयर, फिर कॉस्ट ऑफ प्लांट, इनडायरेक्ट मटेरियल, सेविंग्स इन स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, सेविंग्स इन वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर्ड, सब कुछ सेम। पहला पॉइंट टैक्सेशन टू बी रिगार्ड 50%, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना बच्चों, इग्नोर डेप्रिशिएशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबका मेन हार्ट है बच्चों, इग्नोर डेप्रिशिएशन। जब ऐसा सेंटेंस दिया हो बच्चों तो हाउ टू मेक चेंजेस इन स्टेटमेंट वो आपको दिखाना होगा। ठीक है, स्टेट योर रीजन व्हिच प्लांट वुड यू रेकमेंड। ठीक है, हम बच्चों कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट की जगह उन्होंने बोला है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, क्या मान रहा है प्रॉफिटेबिलिटी। चलो नजर बच्चों सबसे पहले प्लांट ए प्लांट बी एंड पर्टिकुलर। ठीक है, चलो रेडी, अब मैं एक एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों इस सम के अंदर आपने देखा हुआ है, आगे वाले सम में इनकम के अंदर कुछ नया करने की कोशिश, तीसरी लाइन में मुझे दिख रहा है सेविंग्स इन स्क्रैप, इट इज ट्रीटेड एज इनकम, सेविंग्स इन स्क्रैप भंगार नु बचत। ओके, पहले के अंदर है बच्चों 10,000, दूसरे के अंदर है 15,000, फिर भी बच्चों मैं चेकिंग कर रहा हूं कोई वैल्यू में गड़बड़ी है नहीं, ऐसे एकदम सही है। उसके बाद है बच्चों सेविंग्स इन वेजेस, आप देख सकते हो उसके नीचे की लाइन देखो, सेविंग में एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर्ड है और वेजेस फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर बच्चों ए में कितने एम्प्लॉय, तो 150 उनकी जरूरत है, वेजेस कितना है 600 रुपए, मल्टीप्लाई करो तो 150 को 600 से मल्टीप्लाई करोगे 90,000, और बी में एम्प्लॉय है 200 × 600 रुपए यानी 1,20,000, और टोटल इनकम ऐसा कह सकते हैं बच्चों 90 + 10 1,00,000, 15 + 120 कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों। चलो आगे जाए, उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है एक्सपेंडिचर के अंदर, लेस एन
एक्सपेंसेस। पहला वन है कॉस्ट ऑफ प्लांट, उसे बोला जाता है बच्चों इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, हाँ कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू है बच्चों 6,000-8,000। उसके बाद है बच्चों कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, यस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के अंदर खर्चा बच्चों 19,000 और सेकंड में है मेरे ख्याल से 27,000। उसके बाद एम्प्लॉय वगैरह सब होगा बच्चों, दो ही खर्चे जैसे आप माइनस करोगे ये मिलेगा आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पीबीडीटी। ठीक है, 1,00,000 में से 25,000 गए लगभग आएगा बच्चों 75, 1,35 में से 27,035 गए तो मेरे ख्याल से आएगा 1,00,000। फिर भी बच्चों आप लोग साथ में कैलसी से चेक करना, ऑनलाइन के अंदर थोड़ा टोटल करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, पर मेरे ख्याल से एकदम सही है। अब बच्चों यहाँ मैं लेस करने जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन और यहाँ प्रॉब्लम शुरू, कपला स्टार्ट। डेप्रिसिएशन माइनस होगा नहीं होगा, क्यों? यह आपके सामने एक सेंटेंस है बच्चों, इग्नोर डेप्रिसिएशन। जब इग्नोर बोला हूँ बच्चों तो इग्नोर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, लिख देता हूँ मैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ये माइनस करना बच्चों तो मुझे पीएडी मिलेगा सेम, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 75 और 1,00,000। अब इसमें से बच्चों माइनस होगा टैक्स 50%, आई थिंक 37,500 में चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। और यहाँ तो 50,000 आएगा, जैसे आप माइनस करोगे बच्चों मुझे रिसीव होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37,500 और यहाँ आएगा 50,000। ठीक है, अब बच्चों मुझे इसमें ऐड करना है डेप्रिसिएशन, तो मुझे मिल जाएगा नेट कैश फ्लो पर डेप्रिसिएशन लेस हुआ नहीं, देख लो यहाँ लेस कर रहे थे प्लस ना था, ये मिला मुझे नेट कैश फ्लो 37,500 एंड 50,000। चेक करो तो बच्चों आंसर, मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग भी चेक कर लो और मैं भी चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। यस आई थिंक एकदम सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन नया क्या आया, आगे वाले सम की कंपैरिजन में हमने डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया। चलो अब आगे जाए बच्चों, अब मेरा ध्यान जा रहा है आंसर नंबर 1। उन्होंने पहला आंसर मांगा है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, जो भी हमने 5-10 मिनट पहले दिया था, पे बैक पीरियड इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कैश फ्लो। एक के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट बुक के अंदर दिख रहा है बच्चों 3,00,000, सेकेंड में मुझे दिखाई दे रहा है 5,00,000 और नेट कैश फ्लो ये रहा 37,500 एंड 50,000। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों पहले में आंसर आएगा आई थिंक 8 ईयर पेबैक पीरियड, दूसरे में आंसर आएगा 10 ईयर। तो ये कैलकुलेशन हमें ऐसा बता रहा है बच्चों कि पहला जो मशीन है उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया 8 साल में आपको पेबैक रिटर्न मिलेगा, और दूसरा मशीन है उसमें इन्वेस्ट किया तो यू विल रिसीव इन 10 ईयर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पेबैक पीरियड काउंट करना है, कौन सा बेटर है, हमें जितना जल्दी पैसा मिले उतना अच्छा है। तो पहला मशीन हमें 8 साल में पैसा वापस दे रहा है तो ये ऑप्शन इज बेटर। और सेकंड हमें काउंट करना है बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इसमें थोड़ा नीचा है ध्यान इस तरह, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट, और यहां प्रॉफिट कौन सा लेते हैं बच्चों हम लोग पीएटी अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन 200। एक के अंदर बच्चों नीचे इन्वेस्टमेंट ऊपर से ले लूं ये रहा 3,00,000, इसके अंदर यहां से ले लूं 5,00,000, बोलो किसी को डाउट है? ठीक है, ये हो गया बच्चों मेरा रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एवरेज नेट प्रॉफिट, जैसे यहां दिख रहा है 37,550,000। जैसे यहां रखू बच्चों 50,000, आप डिवाइड करके चेक करोगे तो आंसर मैच नहीं हो रहा है। ओ अब देखो नीचे आंसर नहीं आ रहा बच्चों, यस तो यहाँ एक गड़बड़ है बच्चों। अब यहाँ आपने देखा होगा यहाँ क्या प्रॉब्लम है, पहले गलत करो तो सही होगी वैल्यू, देखो गलत किया मैंने जानबूझ के, आप प्रॉफिट नहीं चाहे। अब आपने देखा बच्चों उन्होंने सम में वर्ड यूज किया है इग्नोर डेप्रिसिएशन, पर दिक्कत यह है उन्होंने
आपने इग्नोर मात्र फर्स्ट मेथड में किया है। अब सम में कहीं बोला नहीं है तो ना बोला हो कि बोला हो, यू हैव टू कंट्रोल इग्नोर डेप्रिसिएशन पॉइंट इन ओनली वन मेथड। और कोई कैसा लगती है कि हम नहीं लगे पढ़ने का आपको, तो इस प्रकार का समय यूनिवर्सिटी का सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं। इग्नोर मात्र पहले आंसर पे करना है। यहां आपको जो प्रॉफिट लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहां आपको नॉट करनी है। यहां कौन सा प्रॉफिट लोगे, हियर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कोई कैसा प्रॉफिट मतलब डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है, तो ये खाली पहले आंसर पे इग्नोर करना है, दूसरे में नहीं। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, फिर से इसका प्रॉफिट लेना हो पर्टिकुलर ए प्लांट एंड बी प्लांट। ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये रहा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। यहां से मैं फिर से गिनती कर रहा हूं, इतनी गणना फिर ही करवानी। तो प्रश्न ये देख सर इग्नोर बोलने की जरूरत क्या थी, वही बता रहा हूं बच्चों, इग्नोर से ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं अगर एग्जाम में पूछूंगा तो इस प्रकार का सम नहीं आएगा, रेगुलर आगे करना वही होगा। ये रहा देखो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया, बिफोर डेप्रिसिएशन ले लो 75,000 और फिर 1 लें, ठीक है। अब लेस ये डेप्रिसिएशन आपको सेकंड आंसर में स्पेशली लेस करना है, ठीक है। अब यहां लेस करोगे बच्चों तो आपको पता है डेप्रिसिएशन का फार्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों, तो आप देख सकते हो पहले में कॉस्ट प्राइस है 3 लाख और डेप्रिसिएशन के लिए स्क्रैप वैल्यू है लाइफ 10 ईयर तो आएगा 30,000। दूसरे में है बच्चों 5 लाख और इसमें लाइफ है 12 साल, ध्यान रखना बच्चों 12 ईयर लाइफ है। तो अगर आप कैलसीजर 5 लाख को 12 से डिवाइड करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आ गया 41,667 ऑफ व्हाट फिगर। तो ये थोड़ा बच्चों ऑनलाइन के अंदर खामी रहती है, टोटल आप क्लास पर तो उसकी मजे ही कुछ अलग होते हैं। चलो इसमें से माइनस करोगे तो फर्स्ट में आएगा 45, सेकेंड में आएगा 58,333। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों टोटल सही एकदम सही है। अब इसमें से आपको टैक्स माइनस करना है 50%। जैसे माइनस करोगे बच्चों फर्स्ट में आएगा 22,500 और सेकंड में आएगा मेरे ख्याल से 29,167। ये आया बच्चों आपका सही में एवरेज प्रॉफिट 22,500 21,67। ये मैजिकल फिगर आपको यहाँ लेना है और यहाँ लेना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ बच्चों इग्नोर डेप्रिसिएशन की सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इग्नोर नहीं करना है डेप्रिसिएशन को सेकंड आंसर में। कोई कैसा लकी रहे तो परी को जो सेकंड आंसर मारे तेज करो बच्चों, होमवर्क करोगे तो सेम 2318 आपको सेम मेथड से करना है, ठीक है। अब ये मैं आरंभ देता हूं बच्चों 22,500 यहां मैं रख देता हूं इसको 29,167 और जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों पहले का एवरेज रिटर्न आएगा मेरे ख्याल से 7.5 और आप टेक्स्ट बुक का आंसर भी देख सकते हो, यही मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है। सेकंड में आएगा 5.83%। बोलो सेम बच्चों किसका रेट ऑफ रिटर्न हाई है, तो यहां भी देख सकते हो आप प्लांट ए का रेट ऑफ रिटर्न हाई है। तो लास्ट में आपको सजेशन देना हो रेकमेंड करना हो तो प्लांट ए शुड बी रेकमेंड, ऐसा आप लिख सकते हो। देखो आपने प्लांट ए को रेकमेंड किया बच्चों, दिस इज कॉल्ड टू आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस जिसमें स्टेटमेंट कैसे बनता है वो देखो। इसकी भी 40 मार्क वाले बच्चों पर कुछ अलग करने की कोशिश हो, इस प्रकार के क्वेश्चन कैपिटल बजट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो अब बच्चों लेने जा रहे हैं लास्ट में छोटू छोटू सम। आपको पता है कि जब भी टाइम लगता है मैं लेके जा रहा हूँ छोटू सम, पेज नंबर 233 ऑब्जेक्टिव या इसे कह सकते हो बच्चों एमसीक्यू, पेज नंबर है 233 क्वेश्चन नंबर 25 ब्रैकेट में 29। ध्यान देना बच्चों छोटू सा है। अ कंपनी वांट टू इंप्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अ फैक्ट्री रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ 5 लाख, इट विल गिव एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%, एज्यूम टैक्सेशन रेट इज 50%, पेबैक पीरियड विल बी। अब जब भी आपको बच्चों पेबैक पीरियड काउंट करना हो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। और इसका सिंपल फॉर्मेट क्या है बच्चों, सबसे पहले आप लिखते हो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फिर उसमें से माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, बराबर ध्यान से देखना, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करोगे टैक्स 50%, फिर मिलेगा प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स और फिर इसमें ऐड करोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, और फिर मिलेगा बच्चों आपको नेट कैश फ्लो, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट मार्क ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। अ कंपनी वांट टू इंप्लीमेंट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, इट विल गिव अ एनुअल प्रॉफिट 50,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट दिया है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये सब पीएडी कह सकते हो, तो जो फॉर्मेट में सिद्धू फॉर्मेट याद रखोगे बच्चों, पीएडी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है 50,000। अब बच्चों मुझे ये सब पूरा करना होगा, बराबर लिखा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, अब मुझे टैक्स लेना है 50%, ले लो 25,000 आफ्टर टैक्स कितना आएगा 25,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बोला है बच्चों, जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, पर यहां सूचना है कि टोटल डेप्रिसिएशन 15% है, डेप्रिसिएशन किसका लिया जाता है, हमेशा एसेट्स की वैल्यू इन्वेस्टमेंट, 5 लाख इन्वेस्टमेंट है उसका ले लो 15%, 5 लाख का 15% लोगे बच्चों वैल्यू आएगी 75, ऐड करोगे तो नेट कैश फ्लो कांस्टेंट एवरीयर होगा 1 लाख। कोई बच्चे बोले सर मुझे स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, तो यही 75 ऊपर रख दो बच्चों, अब आप उल्टा जाओगे तो 50 + 75 यानी 1,25,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये हो गया बच्चों आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट। अब आपके पास कैश फ्लो 1 लाख है, आपने इन्वेस्ट किया है 5 लाख, सिंपल काउंटिंग करोगे दर वर्ष 1 लाख होगा तो 5 साल में कितने मिलेंगे 5 लाख, यानी 5 ईयर आंसर होगा। और सही में बच्चों इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला है पेबैक पीरियड इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कैश फ्लो, टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरा 5 लाख और मेरा नेट कैश फ्लो है 1 लाख, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 5 ईयर इज द मैजिकल आंसर, आंसर आ जाता है बच्चों, यस आंसर में आप देख सकते हो ऑप्शन में है बी 5 ईयर, यानी कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट किया है बच्चों 5 साल में वापस देगी। ये हुआ बच्चों आपका कैपिटल बजट का सबसे डिफरेंट लेक्चर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों अगर कोई अलग करने की कोशिश चाहे तो कर सकता है, तैयारी चालू रखो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।